हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर साडा फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। सो जिस दा क्वेश्चन है साडे को सेकंड फाइंड करना है सी एचसीएफ एंड एलसीएम ते असी चेक भी करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स जेडे भी दो नंबर्स साडे दिते होणगे उहनां दी गुणा जेडी है मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू हुंदी है उत्ते एचसीएफ ते एलसीएम दी मल्टीप्लिकेशन दे। सो शुरू करते हैं तो साडे को फर्स्ट क्वेश्चन है 26 अते 91। सो इसका सब तो पहला असी एचसीएफ फाइंड करांगे। सो लिख रहा सी 26 91। सो ये देखो साडे को ईवन नंबर है ऑड नंबर है इहदा मतलब एक संख्या जिस संख्या दो दे नाल वंडी जाएगी ते दूसरी नहीं वंडी जाएगी। सो दो दे नाल 26 वंडिया जांदा इह नहीं वंडिया जांदा। सो संख्या देखो असी कि 26 कि टेबल जांदा है 32 13 2 26। सो 13 7 91 असी वंडदे हां 13 दे नाल। सो 13 2 26 13 7 91। सो हो गया। इस तों बाद देखो 2 अते 7 जिहड़े ने वो किसी भी एक कॉमन टेबल दे विच नहीं आते किसी भी एक सांझे पहाड़े च नहीं आते। 2 दे पहाड़े च 7 नहीं आता तो 7 दे पहाड़े च 2 नहीं आता। इहदा मतलब कि क्वेश्चन इस तो बाद साडा सॉल्व जिहड़ा वो नहीं होगा। सो ध्यान रखना है कि हमेशा जो असी एचसीएफ फाइंड करना है तो साडे को इस साइड ते अभाज्य संख्या ही आएगी प्राइम नंबर ही आएगी। सो इसलिए असी लिखते हैं 26 अते 91 का मम्मा ससा वावा जां एच सी एफ बराबर है 13। सो हुण असीं इसे एलसीएम फाइंड करांगे। सो ये होगा साडे कोल 26 91। सो वंडांगे 13 दे नाल ही 13 2 26 13 7 91। फिर असीं 2 नाल वंडदे हाँ 2 1 2 7 इस तरह ही क्योंकि 2 दे पहाड़े 7 नहीं आता। फिर असीं 7 नाल वंड देंगे 1 7 1 1। हुण दोवां दे फर्क देखो की है इस दे विच साडे कोल जदों साडे कोल अलग अलग संख्या आ गई को प्राइम नंबर आ गए मतलब कि इन्होंने दोवे साझा गुणखंड एक है सह अभाज संख्यावान इन्होंने कहता कि सह अभाज संख्यावान मतलब कि ईवन आ गई ऑड आ गई इसका तो नहीं मतलब कि देखो साढ़े को 2 दे पहाड़े 7 नहीं आता 7 दे पहाड़े 2 नहीं आता। असी क्वेश्चन इतने छड़ देना है ठीक है एस सी एफ लिए एल सी एम के लिए असी इस तरह क्वेश्चन नहीं छड़ना है असी 1 1 लिया है किसी भी तरह ठीक है। इतने देखो 2 ते 7 से अभी 2 ना वंडिया 1 आ गया फिर असी 7 ना वंडिया फिर 1 आ गया तो क्वेश्चन असी पूरा कंप्लीट किया कि नीचे असी 1 1 लेके आए। सो इसलिए 26 अते 91 का एलसीएम जां लल्ला ससावा साडे को आ गया। इन्हां संख्याओं नूं जिहड़ी इधर भाज संख्याओं आईआं इन्हां नूं असी कर देंगे मल्टीप्लाई। सो ये आ गया साडे को 13 7 2 14। सो 13 ते 14 नूं मल्टीप्लाई करते हाँ 13 54 2 5 13 1 5 8 182। सो ये आ गया साडे को एलसीएम। हुण असीं चैक की करना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ एंड एल सी एम। तो संख्यावान कि 26 गुणा 91 बराबर एच सी एफ किन्ना है साढ़े को 13 गुणा 182। सो ये असी चैक करना है एच सी एफ नूं एल सी एम नाल गुणा ते संख्यावान नूं गुणा। सो संख्यावान नूं गुणा देखो साढ़े को 91 ते 26 नूं गुणा करते हाँ 6 53 2 18 6 6 5 8 13 2 साढ़े को आ गया 23 68। फिर आ गया साढ़े को 182। सो इनू मल्टीप्लाई असी करते हाँ 13 दे नाल 6 4 3 8 24 2 3 1 3 2 5 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 1 साढ़े को आ गया 2। सो दोवें आंसर देखो साढ़े को 2 3 6 6 2 3 6 6 23 68 23 68 आ जाता है। सो इसलिए जिहड़ा आंसर है साडा वो जिहड़ी जांच है जां पड़ताल है वो सही पाई गई है ठीक है। सो ये साडे को जांच हो जाती है कि दोवें साडे को आंसर की आ गए बराबर आ जाते हैं। सो फिर साडे को क्वेश्चन आता है सैकेंड जिस है दूजा भाग 2 510 92 92। तो सब तो पहला फिर असी एचसीएफ फाइंड करांगे अपना 510 92। सो ये साडा मैथड कि साडा अभाज गुणनखंड विधि। हुण साडे कोल दोवें संख्यावान ने जिस संख्यावान कि संख्यावान जिन्हां दा इकाई दा जां यूनिट प्लेस
जीरो दो चार छे अठ हो गई, उन्होंने असी जिस संख्यावान कह देंगे हाँ। सो इस वंड रहे असं सब तो पहला दो दे नाल, दो दूनी चार, इधर एक है साढ़े को 11 बन गए, दो पंच 10, देखो दो दूनी चार आया एक बचे, साढ़े को इतने एक सी इधर 11 बन गए, ठीक है। संख्यावान ने उसके सज्जे पास खब्बे पास लग जाना है जो साढ़ा इधरों बचेगी। सो दो पंजे 10 फिर एक बचिया, इतने 10 बन गए, दो पंजे 10, सो दो चौके 8 इधर बन गए 12, दो छिके 12, ये आ गया साढ़े को। हुण आ गया 255 तो इधर आ गया साढ़े को 46 46। हुण असीं फिर देखांगे कि साढ़े को टांक है तो जिस्त है, हुण किहड़ा कॉमन टेबल है जिस दोवें संख्यावां साढ़े को आ जाण। सो 46 दे फैक्टर असीं लिख लांगे, 46 बनता है 23 दूना 46। सो दो ना तो नहीं वंडिया जाएगा क्योंकि दो ने संख्या वंडी दी है, ये नहीं वंडी जाती। सो 23 चेक करांगे, 23 एकम 23, 23 दून 46, 23 तीह 69। सो 23 चौका आ जाएगा साढ़े को 99। सो इस तरह ही 23 पांच साढ़े को आ गए 115। सो 23 छिका साढ़े को आ गए 138, 23 सात साढ़े को आ जाएंगे 151। सो 23 आठ साढ़े को आ जाएंगे 184। सो इस तरह ही 23 नौ टाइम आ जाएंगे 9 टाइम साढ़े को 207, 207। सो इस तरह ही 23 10 टाइम्स जो जाएगा साढ़े को आ जाएगा 230। सो इस तरह 23 जिहड़ा साढ़े को फिर 11 टाइम जाएगा, साढ़े को आ जाएगा 253। हुण देखो 255 दे लागे पहुँच गया साढ़े को, इहदा मतलब असीं 23 नूं 255 नाल जिहड़ा कि नहीं वंड सकदे क्योंकि साढ़े को 253 आता है, 255 नहीं आता, इस तों बाद साढ़े को वध जाएगी संख्या। सो इहदा मतलब कि इस क्वेश्चन जिहड़ा साडा ये इत्थे ही जिहड़ा वो रहि जांदा है, तो साढ़े को आ जाएगा 510 92 का एच सी एफ आ जाता, साढ़े को 2 आ जाएगा। सो हुण इस तो बाद असी अपना एलसीएम फाइंड करांगे, एलसीएम 510 92। तो सब तो पहला फिर असी 2 दे नाल ही 255 इधर आ गया साडा 46। सो फिर असी 46 नूं वंडदे हां अपना 23 दे नाल, ये 255 इस तरह ही रहेगा, 23 दून 46, फिर 255 इस तरह ही सॉरी 2 दे नाल वंडांगे, 255 इस तरह ही 2 एकम 2। हुण इधर 1 आ गया, असीं 255 नूं वंडदे हाँ 5 नाल, 5 5 25, 5 एकम 5, फिर वंडदे हाँ 17 51, 17 थ्री जार 51, 1 इधर आ गया। तो 17 के नाल 1 ते 1 आ गया साढ़े को, ठीक है। तो साढ़े को की आ गया 510 अते 92 का एलसीएम। सो बराबर की आ जाएगा, ये सारे साढ़े को जिन्हें प्राइम नंबर आए हैं इधर साढ़े को उन्हें सारे की गुणा, साढ़े को आ गया 2 गुणा 23 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। तो साढ़े को सारा गुणा करके की आ जाएगा, इन सारी नूं तुसीं चेक कर लेना है, गुणा करके बराबर आ जाएगा 23460। सो इसकी गुणा तुसीं जरूर करनी है, चेक करनी है, यह आती है 23460। सो इस तो बाद साढ़े को आ जाएगा आंसर चैकिंग, कि दोवें संख्यावां की गुणा बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम आती है कि नहीं आता है। सो ये साढ़े को आ जाएगा 510 गुणा 92 बराबर एच सी एफ किन्ना आया है 2 और एलसीएम किन्ना है 23460। सो 510 में जो 92 का गुणा करते हैं तो साढ़े को गुणा करके की आ जाएगा, चेक कर लेंगे असी 510 92। सो 0 है लास्ट में, आंसर 0 तो आएगा ही साढ़े को, ठीक है। 0 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4। सो साढ़े को आ गया 46920। सो इस दी गुणा किन्नी आएगी, देखो 2 नूं 0 नाल गुणा करो 0, 2 नूं 6 नाल, 2 छिके 12, एक आंसर, 2 चौके 8 ते 1 9, 2 तीए 6, 2 दूनी 4। सो देखो 46920 46920 दोवें आ गए साढ़े को। सो देयर फोर साढ़े को की आ गया, संख्यावां दी गुणा बराबर है एच सी एफ गुणा एल सी एम। सो
इस तरह असी पहला एचसीएफ फाइंड करना, फिर एलसीएम, फिर असी ये वाली जो आंसर चेकिंग करनी है अपना, ये जो फॉर्मूला यूज होंगे साडा ये वाला, असी वो चेक करना है कि प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा। दो संख्या गुणा करके जो आंसर आता है कि उही आंसर साडा एचसीएफ से एलसीएम गुणा करके आता है। सो इतने साडा आ गया, इसलिए साडे को कंडीशन की पाई गई ट्रू। सो इसे साडे को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 के फर्स्ट एंड सैकेंड पार्ट, सो यह थर्ड पार्ट भी है। सो जिस दियां वैल्यूज जिहड़ियां साडे को थर्ड पार्ट दियां हन 336 अते 54, सो 54। सो इस क्वेश्चन नूं तुसीं आप करना है, तुहानूं होमवर्क दे विच दे दित्ता जांदा है। सो किस तरह दा एचसीएफ फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसीं कमेंट करके दस सकते हो। सो उम्मीद करते हैं क्लास जी थोड़ी वधिया लगी होगी, और दूसरे बच्चों तक भी शेयर जरूर करना है। क्वेश्चन एक बार नहीं क्लीयर होंगे, वीडियो में एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन थोड़ा क्लीयर हो जाएंगे। सो फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर दस सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट क्लास नैक्सट क्वेश्चन के।